से महिंद्रा एजुकेशन से जुड़ा हूँ, तो एजुकेशन के फील्ड में मेरा काफी एक्सपीरियंस है। उस बिहाफ पे अगर हम बात करें तो जो कंपटीशन है पर आवर्स नहीं, पर मिनट नहीं, पर सेकंड बदल रहा है और बहुत तेजी से अपडेशन आ रहा है। वैकेंसियां गवर्नमेंट सेक्टर में कम हो रही है, ठीक है ना, तो क्या हो रहा है बच्चे के लिए ना फिल्टर बढ़ते चले जा रहे हैं। तो बच्चों को क्या करना है, बहुत स्पीड इंप्रूव करने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए कि प्रैक्टिस पे ही डिपेंड है, तो किस तरह से वो प्रैक्टिस करना है, तो वो महिंद्रा उसके लिए एक मास संस्थान है जिससे जो है वो अपनी स्पीड में इंप्रूवमेंट ला सकता है, तो बच्चा अपडेट होता है क्योंकि चीजें तेजी से बदल रही है, तो बदल के साथ बदलते टाइम के साथ हमें भी अपने आप को अपडेशन करना पड़ेगा। जो अपडेट नहीं करेगा वो मार्केट से बाहर हो जाए, यानी वो सिलेक्शन लेने में नाकामयाब हो जाए। महिंद्रा का नया अपडेशन आया है, महिंद्रा जो एप्लीकेशन है और वेबसाइट है वो AI टूल पर अपडेट है। पूरी कामयाबी के बीच में किसी भी बच्चे की पैसा नहीं आएगा, यानी पैसे की वजह से बच्चा ऐसा नहीं हो सकता कि वो कामयाब ना हो। प्रॉब्लम हमें कभी कंपटीशन की कोई टेंशन नहीं रही, क्योंकि हम जितना अपडेट रहते हैं तो शायद अपडेट होने में उनको टाइम लगेगा। जब महिंद्रा था तो कोई नहीं था, अब भी महिंद्रा और आगे भी महिंद्रा रहेगा। रुका हुआ आदमी और रुका हुआ पानी सर जाता है, तो अपडेट के साथ अपने आप को अपडेट करिए। आप लोग क्या करिए, बस प्रैक्टिस पे ध्यान रखिए, प्रीवियस के पेपर करते रहिए, ठीक है ना, और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही तो महिंद्रा संस्थान आपके लिए है, जरूरी नहीं आप यहाँ पे एडमिशन ले। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विशाल सक्सेना। आज हमारे साथ में महिंद्रा कोचिंग के मैनेजर मुजीब अहमद खान साहब मौजूद है हमारे स्टूडियो में। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। थैंक यू सर, आप हमारे लिए सर गर्व की बात है कि आप हमारे संस्थान में आए हैं। सर एजुकेशन को लेकर के किस तरीके से आज बदलाव आप देख रहे हैं और महिंद्रा कोचिंग के साथ आपका सफर कितना लंबा हो गया है? सर देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बताता हूँ, मेरा जो यहाँ पे सफर एक्सपीरियंस रहा है, मैं 2012 से महिंद्रा एजुकेशन से जुड़ा हूँ, तो एजुकेशन के फील्ड में मेरा काफी एक्सपीरियंस है। उस बिहाफ पे अगर हम बात करें तो जो कंपटीशन है पर आवर्स नहीं, पर मिनट नहीं, पर सेकंड बदल रहा है और बहुत तेजी से अपडेशन आ रहा है इसमें, तो बच्चों के लिए जो मुश्किल आती जा रही है वो डेली बदलते कंपटीशन की वजह से आ रही है, क्योंकि पॉपुलेशन डेली से तेजी से बढ़ रही है, वैकेंसियां गवर्नमेंट सेक्टर में कम हो रही है, ठीक है ना, तो क्या हो रहा है बच्चे के लिए ना फिल्टर बढ़ते चले जा रहे हैं। तो बच्चों को क्या करना है, बहुत स्पीड इंप्रूव करने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए कि प्रैक्टिस पे ही डिपेंड है, तो किस तरह से वो प्रैक्टिस करना है, तो वो महिंद्रा उसके लिए एक मास संस्थान है जिससे जो है वो अपनी स्पीड में इंप्रूवमेंट ला सकता है। जैसे कि हम लोग स्पीड टेस्ट कराते हैं, ऑनलाइन टेस्ट देते हैं, ये सारी चीज़ें बच्चों को इम्प्रूव कराते हैं जिससे बच्चा अपडेट होता है, क्योंकि चीज़ें तेजी से बदल रही हैं, तो बदल के साथ बदलते टाइम के साथ हमें भी अपने आप को अपडेशन करना पड़ेगा। जो अपडेट नहीं करेगा वो मार्केट से बाहर हो जाए, यानी वो सिलेक्शन लेने में नाकामयाब हो जाए। सर महिंद्रा कोचिंग क्या इंटरनेट के माध्यम से बच्चों को एजुकेशन दे रहा है? क्योंकि बहुत सारे संस्थान इस दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन महिंद्रा की अपनी क्या प्रोग्रेस है? देखिए अगर महिंद्रा के बारे में बात करें तो महिंद्रा बहुत ही अपडेट वर्जन है, वो नई नई चीज़ें जैसे भी नई चीज़ें मार्केट में आती है तुरंत ही अपडेट हो जाता है। जैसे अभी नया अपडेट आया AI टूल्स के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, इसमें क्या होता है कि बच्चा जैसे फॉर एग्जांपल हम माने इसको थोड़े अपनी भाषा में समझने की कोशिश करते हैं, जैसे अमेजोन पे या हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो हमको एक शर्ट खरीदनी है, तो शर्ट खरीदते हैं तो उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास शर्ट के ही ऐड चलते चले आ रहे हैं, ठीक है ना। अब अगर हमारे वेबसाइट बच्चा एप्लीकेशन बना लेता है तो वो बैंकिंग सेक्टर में अगर कोई चीज़ सर्च कर रहा है तो बैंक से रिगार्डिंग उसके जो भी चीज़ें हैं वो सब आ जाएंगे, उसके उसकी मतलब की सारी बुक्स आ जाएंगी, उसके टेस्ट आ जाएंगे, वो सारी चीज़ें आप कर देते हो। तो AI यही काम करता है कि बच्चा जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसका, उस चीज़ में बच्चे के सामने सारी चीज़ें आ जाएंगी रिगार्डिंग उसके एग्जाम के, तो बच्चे को अलग अलग वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है, तो AI टूल उसको हेल्प करता है उसके सिलेक्शन में तेजी से लाने का, प्रोग्रेस कर रहा है। अच्छा सर, आपको नहीं लगता जहाँ आप क्लास में आपका अनुभव रहा होगा, जहाँ हम बच्चों को सामने बैठ करके पढ़ाते हैं और बच्चे समझ नहीं पाते, मैं चाहूंगा कि क्या इंटरनेट वाकई कम मदद करेगा उनकी? या डेफिनेटली, एक्चुअली ऐसा होता था, देखिए इंटरनेट की अगर बात करें तो हमारे वहाँ स्मार्ट क्लासेस हैं, ठीक है, स्मार्ट क्लास का फिर ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू हम बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर बात करें नेटवर्क की तो हमारे वहाँ वाईफाई भी फ्री दे दिया जाता है बच्चों को, तो वैसे क्या होता है बच्चा अपने बैठे बैठे ऑनलाइन क्लासेस ले सकता है, रिकॉर्डेड वीडियो देख सकता है, फिर क्लासेस में ऐसा रहता है हमारा जो कंटेंट है वो बहुत अच्छा रहता है। तो पहले क्या होता है जब ऑफलाइन क्लासेस होती थी उसमें क्या दिक्कत आती थी कि बच्चे टीचर्स को
थोड़ा क्वेश्चन बोलना पड़ता था। अब जब क्लास में रहते हैं तो हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे बैठे हैं और एग्जाम भी हिंदी इंग्लिश दोनों के बेस पे आता है, तो वहाँ पे कभी हिंदी मीडियम वालों को प्रॉब्लम होती है, कभी इंग्लिश मीडियम वालों को। तो हम लोगों का क्या होता है, बायलिंगुअल क्लासेस चलती है। बायलिंगुअल क्लासेस दोनों बच्चे समझ लेते हैं। जब बच्चों को प्रैक्टिस कराई जाती है तो हम लोगों ने टेलीग्राम पे ग्रुप बना रखे हैं मैथ का, इंग्लिश का, रीजनिंग का। तो उनको जब क्वेश्चन सेंड किए जाते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में किए जाते हैं, तो इसमें दोनों बच्चे कम्फर्ट लेते हैं और इजिली सॉल्व कर लेते हैं उन चीज को। अच्छा, फैकल्टी का कितना प्रभाव पड़ता है सर? एक अनुभवी फैकल्टी होना बच्चों के लिए कितनी मददगार साबित होती है, क्या आपने इसका कभी सामना किया कुछ है? बिल्कुल सर, देखिए फैकल्टी का अनुभवी होना बहुत जरूरी है। महिंद्रा कैसे डिसाइड करता है किसको? महिंद्रा का देखिए, महिंद्रा का एक प्रोसेस रहता है, महिंद्रा का जो प्रोसेस सिस्टम है। तो हमारे वहाँ बच्चे बाकायदा फैकल्टी के एग्जाम होते हैं, पहले तो उनके इंटरव्यू होते हैं, इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन होता है। फाइनल सिलेक्शन का उनके पर मंथ फैकल्टी के खुद के भी एग्जाम होते हैं ताकि वो चीजों से अपडेट रह सके, ठीक है ना। वो नई चीजें अपडेट रहते हैं, फॉर्म वो लोग खुद भरते हैं ताकि चीजों से अपडेट रखें। अगर फैकल्टी ही अपडेट नहीं होगा तो वो स्टूडेंट को कैसे अपडेट कर पाएगा, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले फैकल्टी का अपडेट होना जरूरी है ताकि बच्चा जल्दी से सीख सके और समझ सके चीजों को। अच्छा, जब बच्चे आपके यहाँ सर सिलेक्शन होकर के आते हैं तो एक अलग मोटिवेशन देखने को मिलता है, तो वो उत्साह कैसे बच्चों को आप मैसेज पहुंचा पाते हैं? देखिए, हमारा जो मकसद है, जब बच्चे 25 या 30 बच्चे एक क्लास में पढ़ रहे हैं और उन्हीं से चार पांच बच्चों ने सिलेक्शन ले लिया। अभी हमारे वहाँ सिलेक्शन हुए LIC ADO में 5 सिलेक्शन हुए, SSC GD में भी 10 सिलेक्शन हुए, उससे पहले SSC CGL में भी 7-8 सिलेक्शन हुए। किसी भी गवर्नमेंट जॉब का कोई सिलेक्शन हो, वैकेंसी निकल रही है और बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है, तो आप देखेंगे महिंद्रा अलीगढ़ ब्रांच से कोई ना कोई बच्चा जरूर होता है उसमें, और अच्छी खासी क्वांटिटी में। रीजन कि हम उनको एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करा रहे हैं, यानी वो माहौल प्रोवाइड करा रहे हैं बच्चे का, तो उस माहौल की वजह से बच्चा जो है जल्दी सिलेक्शन ले रहा है। हमारे वहाँ स्टडी रूम दे रखा हुआ है बच्चे को, दिन भर बच्चे बैठ के पढ़ते हैं, स्मार्ट लैब दे रखी हुई है। सबसे इम्पोर्टेंट PSS सेशन, यानी पर्सनल सॉल्विंग सेशन, यानी टीचर जो है ना डॉट सेशन, ऐसा नहीं है 15 दिन बाद एक महीने बाद हो रहा बच्चों को प्रॉब्लम अभी है और 15 दिन बाद डॉट सेशन में क्लियर, नहीं, बच्चों को प्रॉब्लम है वो अभी पूछे, अभी उसका सलूशन ले। तो इसके लिए हमारे सारे जो अनुभवी टीचर्स हैं सब पुराने हैं, वो क्या करते हैं, क्लास के बाद एक PSS सेशन बनाया गया, उसमें बैठे रहते हैं, उसमें जो भी बच्चा होता है अपनी प्रॉब्लम पूछता है और जिससे बच्चे के डॉट्स क्लियर होते हैं। आदमी जब सीखता है, जब वो फंसता है, बच्चे की प्रॉब्लम आई, वो फंस गया, उन्हें टीचर से पूछा, फिर वो आगे बढ़ गया। अगर हम उसको उस टाइम प्रॉब्लम सोल्यूशन नहीं देंगे तो वो अटका रह जाएगा, 2 दिन तक वो भूल जाता है, फिर उसके अंदर ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो हमारा मोटिव यही है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैक्सिमम फॉर्म भरवाते हैं बच्चों के, जितने भी है, जैसे अभी RBI की वैकेंसी निकली हुई है, SBI PO की वैकेंसी निकली हुई है, SSC की वैकेंसी निकली है। तो मैं खुद पर्सनली क्लासों में जाकर बच्चों को अनाउंस करता हूँ, फ्लैग्स वगैरह लगाता हूँ, कहीं इन्फॉर्मेशन है फ्लैग्स लगवा देते ताकि बच्चों वैकेंसी का पता चल सके। एप्लीकेशन में अपडेट हो जाता है उनके, टेलीग्राम पे वैकेंसी के बारे में डाल देते हैं और खुद पर्सनली जाके बच्चों को बोला जाता है, बेटा तुम फॉर्म भरो, ये वैकेंसी निकली, उसमें क्या क्राइटेरिया है, कितनी एज मांगी है, क्या सब्जेक्ट आ रहा है, कौन सब्जेक्ट कितने नंबर का आ रहा है। जैसे हम बात करें दिल्ली पुलिस की, अभी वैकेंसी आई है। अब बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि दिल्ली पुलिस में क्या है, उनकी इंग्लिश वीक होती है, तो इसमें इंग्लिश आई नहीं रही है, हिंदी नहीं पढ़ी होती है तो हिंदी नहीं आ रही है, ठीक है ना। अगर हम बात करें मैथ की तो मैथ से घबराते हैं, मैथ सिर्फ 15 नंबर का आ रहा है, ठीक है ना। और अगर रीजनिंग की बात करें तो सिर्फ 25 नंबर की, कंप्यूटर 10 नंबर का आ रहा है, इसमें सारा काउंसलिंग जरूरी हो जाती है बच्चे की, क्योंकि बच्चा ही तो है। अब उसको सही मार्गदर्शन मिलेगा संस्थान से तो निश्चित ही वो सफल होगा। तो आपकी काउंसलिंग का फैक्टर क्या है, किस तरीके से उसको गाइड करते हैं आप? देखिए, करियर काउंसलिंग की बात जी हम बात करें, देखिए हमारा जो मकसद ये है, बच्चे को इंक्वायरी देना नहीं होता। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो कोचिंग में जाएंगे, वो आपको इंक्वायरी देते हैं, अपनी फीस के बारे में बताएंगे नहीं। हमारे वहाँ जब बच्चे आता है तो हम उसे इंक्वायरी नहीं देते, कैरियर काउंसलिंग करते हैं उसकी। यानी हम कहते हैं तुम एडमिशन लो ना लो, लेकिन अब तुम्हें पता होना चाहिए तुम किस सब्जेक्ट के हो और किस सब्जेक्ट में तुम फॉर्म भर सकते हो, बैंक में, SSC में, रेल में, पुलिस में या डिफेंस में, क्या सब्जेक्ट है तुम्हारे। पहले हम उससे बात करते हैं 5-10 मिनट, फिर उसके इंटरेस्ट के हिसाब से उसको सब्जेक्ट गाइड करते हैं कि तुम इसका, यही वजह होता है हम बच्चे को फोर्स नहीं करते, बेटा तुम ये करो। अब माँ बाप से भी ये सजेशन देते हैं कि आप इनको फोर्स मत करिए, बच्चे का जहाँ इंटरेस्ट है उसको वहाँ भेजिए, बट उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको सारी चीजें बताते हैं। ये हम सेमिनार वगैरह भी किए हैं, अल बरकात में हमारा सेमिनार हुआ है, अभी AMU में हमारी बात चल रही है और बड़े बड़े कॉलेज वगैरह में हमारी बात चलती है, जिसमें हम कैरियर काउंसलिंग करते हैं, जहाँ पे 12 पास बच्चे के पता ही नहीं होता उनको किस फील्ड में जाना है, तो किस फील्ड में उनको जाना चाहिए।
संस्था का मकसद है कि प्रॉपर गाइडलाइन ताकि बच्चा कम समय में कामयाब हो सके, क्योंकि अगर ज्यादा देर लगे तो ज्यादा कंपटीशन बढ़ जाएगा उसके लिए। तो यही है, तो हम लोग कैरियर काउंसलिंग करते हैं बच्चे, ना कि इंक्वायरी देते हैं। मकसद क्या है कि वो जल्दी जल्दी कामयाब हो सके। आपके कोचिंग में एडमिशन ले ना ले, लेकिन उसको पता होना चाहिए मैं क्या कर रहा हूं। बिल्कुल राइट, पता होना चाहिए उसको कि मैं 12 पास क्यों, मेरे पास बीकॉम है, मेरे पास बीएससी है, मेरे पास बी है, तो मैं इस फील्ड के लिए। अच्छा सर, एक सवाल यहाँ ये भी उठता है, बहुत सारे संस्थान है, सब संस्थानों की अपनी एक फीस है, क्या महिंद्रा कोचिंग सभी को ध्यान में रखते हुए पैकेज देता है, किस तरीके की आप सर आप बिल्कुल अगर बात करें तो मेरे बारे में महिंद्रा जो है, हम एक ही लाइन कहना चाहेंगे, कामयाबी के बीच में किसी भी बच्चे की पैसा नहीं आएगा, यानी पैसे की वजह से बच्चा ऐसा नहीं हो सकता कि वो कामयाब ना हो, ठीक है ना। यहाँ तक कि हम आपको बताएं कि 7,000-6,000 में हम लाइफ टाइम कार्ड देते हैं, बच्चा एडमिशन ले ले और जिंदगी जब तक उसका सिलेक्शन ना हो वो यहाँ पढ़े। ये आपका बड़ा यूनिक, ये यूनिक है सर जी, जी। क्योंकि ना इसका रीजन यह था, बहुत कभी कभी गरीब घर के बच्चे आ जाते हैं, सर पैसे नहीं है। अभी भी हाल ही में कल की एक बार बताएं तो एक बच्चे ने बताया कि उसके फादर नहीं है, मम्मी के घर की पोजीशन ऐसी नहीं है, तो वो अभी क्या कर सकता है कि अभी जो वो ट्यूशन पढ़ाती है, तो हमने कहा बेटा तुम पढ़ो 10-15 दिन पढ़ो, तुम्हें पैसे की नीड नहीं है, तुम हम घर पर डिस्कस करेंगे, अगर वाकई में तुम सच कह रहे हो तो महिंद्रा तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री है। तो कुछ बच्चों को हमने ऐसे भी किया है कि गरीब बच्चों को बिल्कुल फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, ठीक है ना। और कुछ बच्चों को यह है कि ईएमआई में इंस्टॉलमेंट में दे देते हैं, एक बच्चे पास नहीं है पैसा 200 में, यानी 6,000-7,000 में भी इंस्टॉलमेंट बांध देते हैं, ठीक है ना। मकसद ये है कि वो कामयाब हो जाएं, कल कामयाब होंगे तो और बच्चे आएंगे हमारे पास। तो हमारे वहाँ क्या सिलेक्शन का एक रेशियो ये है, एटमोसफियर, तो हम यही कहते हैं बेटा, एक बच्चा है बोला सर हम एक साल पहले नहीं आ पाए क्योंकि हमारा पैसा नहीं था, मैंने पैसा अब है बोले अभी नहीं है, मैंने आप आए, हमने एडमिशन लिया नहीं लिया आपका, आप पहले आते तो एक साल में कामयाब हो जाता, तो बोले बस सर हिम्मत नहीं होती। तो मैं उन बच्चों को एक मैसेज दूंगा, बेटा आपकी कामयाबी में पैसा बीच में नहीं आएगा, बस आप मेहनती होना चाहिए, अगर आप मेहनती हैं तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा सर, कभी एज अ टीचर है ना, एज अ मैनेजर आप संभालते हैं सारा कुछ, लेकिन जब कहीं रोड पर जा रहे हैं और अचानक से कोई स्टूडेंट आकर के पैर छूता है तो फील होता है कि यार ये बच्चा हमने पढ़ाया है, इसको गर्व महसूस होता है? या डेफिनेटली सर, प्राउड फील होता है। मैं आपका एक इंसिडेंट बताता हूँ, मैं एक बैंक में गया, एक्चुअली ऐसा होता है हम लोग बैंक में जाते तो हम लोगों को जो आई कार्ड वगैरह है ये हम लोगों के एक्चुअल आ चुका, तो मैं ऐसे ही चला गया, थोड़ा जल्दी में था, मैं बैंक चला गया। आप यकीन मानिए बहुत लंबी लाइन थी बैंक में, क्यू में मैं भी जाके खड़ा हो गया, लेकिन वहाँ जो लोग काउंटर के उधर थे, जो कैशियर थे और 2-3 स्टाफ था, वो सबके सब उधर खड़े हो गए। तो मैंने कि क्या हो गया, तो पीछे से अब मुझे दूर से आवाज आती है, सर आप वहाँ क्यों खड़े लाइन में, आप अंदर आ जाइए। तो मैंने आप बोले सर हम लखनऊ ब्रांच के पढ़े हुए हैं और आप तो हमारे टीचर्स हैं, और सर दूसरा एक बच्चा जो है सर हम भी अली, हम तो अलीगढ़ के पढ़े हुए हैं, ठीक है ना, हमने आपको देखा है। तो उन्होंने मुझको अंदर को ले लिया और चाय वगैरह मंगाई, बोले सर आपको क्यू में खड़े होने के। तो ये एक प्राउड फील होता है, अच्छा लगता है कि हमारे पढ़ाए बच्चे बैंकों में, एसएससी में ऊंचे ऊंचे पदों पे नियुक्त हैं और देश के लिए अपना एक योगदान दे रहे हैं। अच्छा सर, अभी जिस तरीके से संस्थान खुलते जा रहे हैं, जी कुकुर मुत्ते की तरह पैदा हो गया सर अलीगढ़, अब इनको कैसे आप फाइट कंपटीशन मानते हैं किसी से? ये देखिए, कंपटीशन तो हर चीज में, चाहे एजुकेशन में हो जाए, चाहे बिजनेस में हो जाए, चाहे ये इस पार्ट पे हो जाए, ठीक है ना, तो कंपटीशन किस चीज का होता है। लेकिन प्रॉब्लम, हमें कभी कंपटीशन की कोई टेंशन नहीं रही, क्योंकि हम जितना अपडेट रहते हैं तो शायद अपडेट होने में उनको टाइम लगेगा। जब महिंद्रा था तो कोई नहीं था, अब भी महिंद्रा और आगे भी महिंद्रा रहेगा। कोरोना काल में सारे कोचिंग वगैरह बंद हो गए, लेकिन महिंद्रा एक एकमात्र संस्थान था जिसने ऑनलाइन क्लासेस घर बैठे बच्चों को प्रोवाइड कराई, ठीक है ना। तो बच्चा ऑनलाइन सुविधा भी, हम आज के टाइम में कोई ऐसा कोचिंग नहीं है जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों एक साथ दे रहा है, ठीक है ना। अगर वो ऑनलाइन दे रहा है तो एक्स्ट्रा चार्ज, हम कोई चार्जेस नहीं लेते हैं बच्चे के, बैंक SSC दोनों चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है ना। तो बच्चा अपने घर बैठ के भी क्लासेस ले सकता है, इसके एक दिन भी वीक नहीं होता है, रिकॉर्डेड वीडियो रहती है सारी टॉपिक की, तो घर बैठ के रिकॉर्डेड वीडियो देख सकता है, टेस्ट दे सकता है, और जैसे कि मैंने बताया नया अपडेशन आया AI टूल्स, उसकी मदद से वो अपने इंटरेस्ट की सारी चीजें बुक्स वगैरह AI के थ्रू देख सकता है। अच्छा सर, ये ऐसा लगता है आपको कि आज जब हर तरीके के बच्चे हैं आपके पास, जी और बच्चों का माइंडसेट समझने में भी समय लगता है, या उनको किस तरीके से आप देख पाते हैं? देखिए बच्चे तो अलग-अलग माइंड के आते हैं, ठीक है ना,
तो अब ये है, तो हम इतनी टाइम एक्सपीरियंस हो गए तो हमें मालूम है किस बच्चों को कैसे डील करना है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो वाकई में अपने सीरियस होते हैं अपने लेके, तो उनको बस प्रॉपर गाइडलाइन देनी है। कुछ बच्चे होते हैं अभी मैच्योर नहीं हुए, 12 पास है, उन्हें लगता है उधर हम काटेंगे, तो उनको मोटिवेशनल क्लासेस देते हैं। मोटिवेशनल क्लासेस रहती है हमारी, और पेरेंट्स को बुलाते हैं, उनकी मीटिंग करते हैं, पेरेंट्स मीटिंग रहती है, ठीक है ना। और कोई बच्चा जैसे सिलेक्शन निकालता है तो उनके पेरेंट्स को भी हम बुलाते हैं, और उनके पेरेंट्स को बुलाकर उस क्लास में ले जाते हैं, उस बच्चे को ले जाते हैं। तो हम बस एक ही लाइन बोलते हैं कि आज ये बच्चा है, कल इनके माँ बाप हैं। क्या आप नहीं चाहते आप यहाँ आना और आपके माँ बाप यहाँ आए जो प्राउड फील करें? तो आप जिंदगी में कुछ ऐसा काम तो करिए कि माँ बाप आपके प्राउड करें। तुमको किसी को प्रूफ नहीं करना, तुम्हें अपने माँ बाप को प्रूफ करना है। एक बार माँ बाप को तुमने प्रूफ करा दिया तो बस ये समझो तुम्हारी जिंदगी सफल हो गई, क्योंकि उन्होंने जो भी त्याग दिया है वो आपके माँ बाप ने दिया है, और अपने माँ बाप को आपको सेटिस्फाई करना, वो आप सिलेक्शन के बिना नहीं कर सकते उन बच्चों। जी जी जी। तो बच्चे कभी कभी इमोशनल हो जाते हैं, और कुछ इमोशनल मोटिवेशन मिलने की वजह से वो पढ़ाई में और ज्यादा सीरियस हो जाते हैं, और ये उनके लिए बेनिफिट है, बेनिफिट है ना। और ये संस्थानों को करना भी चाहिए, मतलब ये चीजें जरूरी हैं। अच्छा सर, क्या लगता है आपको बच्चों को लेकर के कोई एक ऐसी सलाह, क्योंकि अनुभव है आपको, जो उनके काम आए आज इस चैनल के माध्यम से, कुछ यूनिक ऐसा जो उन तक पहुंचे, कोई भी एक ऐसी सलाह? मैं एक ही सलाह देना चाहूंगा सर, जैसे मैंने आपके पहले भी बोला था, रुका हुआ आदमी और रुका हुआ पानी सर जाता है। तो अपडेट के साथ अपने आप को अपडेट करिए। प्रैक्टिस मेन परफेक्ट, पूरी तरह से यह है, मैं प्रैक्टिस मैन परफेक्ट नहीं कहता, प्रैक्टिस ह्यूमन परफेक्ट, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल दोनों आ जाते हैं, यानी दोनों को परफेक्ट होने की जरूरत है। आप लोग क्या करिए, बस प्रैक्टिस पे ध्यान रखिए, प्रीवियस के पेपर करते रहिए, ठीक है ना। और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही तो महिंद्रा संस्थान आपके लिए है। जरूरी नहीं आप यहाँ पे एडमिशन ले, आप यहाँ पे गाइडलाइन दीजिए, कैरियर काउंसलिंग की बात करिए हमसे आके, हम आपको प्रॉपर गाइडलाइंस देंगे, आप घर बैठे भी अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों कहते हैं कि जिसका इरादा मजबूत होता है, जो जिंदगी में कुछ करना चाहता है, जो लक्ष्य केंद्रित है, वो आगे बढ़ता है। और महिंद्रा कोचिंग इस दिशा में लगातार वर्षों से काम करता रहा है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए HBN News। धन्यवाद।